घर में चमगादड़ आ चुका है, वो घूम रहा है हॉल में। ये देखो आपको, ये देखो उजाले में नहीं जाता ये, छोटी मम्मी को बोलू क्या नीचे है ना, ये पता नहीं कैसे आ गया है हॉल में। छोटी मम्मी को फोन करो, मम्मी और छोटी मम्मी को बोलो सबसे पहले जीने की लाइट लगाए और वो बाहर वाला गेट खोल दे, और ये भी बाहर वाला गेट खोल दे और नीचे चल जाए वापस। नहीं और उसमें से तो आ नहीं सकता ना, जाली तो अंदर लग रही है या इस जी किधर गया इधर ही है। स्पीकर करो, आप हटो एक बार। हेलो, हाँ मम्मी क्या कर रहे हो? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ऊपर है ना चमगादड़ आ गया है, तो आप ना एक बार जीने की लाइट लगा के और जीने का गेट खोल दो। अच्छा। और फिर ऊपर का गेट भी खोल दो। कहाँ है? और फिर नीचे जाके लाइट खोल दो, ऊपर का भी खोल दो क्योंकि ऊपर कड़ी नहीं लग रही, ऊपर का भी खोल दो क्योंकि बाहर चला जाएगा ये। हाँ वो भी खोल देना गेट। अच्छा। और फिर आप नीचे चले जाना खोल के, ठीक है, और देखना नीचे ना आए चमगादड़। बस लाइट जरूर चलती, लाइट जरूर चला। हाँ समय की रोटी उतार दूं फिर जाने पता। आप तो चालू ही रखो फोन। हाँ 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 उतार लो आराम से। और ध्यान रखना छोटी मम्मी नीचे गया ही ना, मतलब नीचे नहीं आ जाए, चला जाएगा। देखते रहो कंटिन्यू। जीने का गेट खोल दिया ना आपने पूरा? हाँ, पूरा खोल। अब ये ऊपर वाला, ऊपर आओ आप, ऊपर वाला भी खोलो गेट। अच्छा। हाँ हाँ अरे अपने ऊपर का छत का नहीं। बस छोटी मम्मी इसको खोल दो पूरा, खोल दो, हाँ खोल दो और नीचे चले जाओ आप, नीचे चल जाओ, नीचे ध्यान रखना। अरे इधर ही घूम रहा है, अभी आ जाएगा छोटी मम्मी। अरे वो चिपक जाएगा, आप नीचे जाओ। अरे वो उधर ही उधर घूम रहा है, सुनो वो बाहर है, रुक जाओ आप, गेट खोल खुलवाया हमने, अभी इधर नहीं आ रहा ना, अभी इतनी देर तो इधर इधर घूम रहा था ये। ये आ जाएगा अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा तो? लाइट बंद करेगा तो यहीं रहेगा ये। हाँ लाइट बंद मत करो, लाइट बंद ही चाहिए इसको। तो लाइट बंद कर देंगे अपन ये वाली? कौन सी वाली? ये वाली। नहीं नहीं फिर यार यही घूमता रहेगा भाभी, चिपक। नहीं भाभी उसकी बोल रही है, इसकी सिड्डी होगी, बंद करोगे तो जाएगा वो। नीचे से बोलो छोटी मम्मी, नीचे से बंद कर दो सिड्डी होगी लाइट। अरे इधर की मैं बंद कर दूं? अरे नहीं भाभी पता चला अंदर आ गया, पर जीने की लाइट बंद कर दो। अच्छा हाँ उससे क्या होगा, कर दूंगी। हाँ कर दो, कर दो फटाफट कर दो। कर दी? हाँ ठीक है, बस बस यार चमगादड़ कैसे आ सकता है, ये जा क्यों नहीं रहा? लेकिन दिख रहा है क्या? दिख रहा है, उड़ता काफी देर से नहीं आ रहा इधर, शायद उसको अंधेरा मिल रहा है उधर। लाइट जलानी पड़ेगी वहां पे। हां ढंग से जाना, कहीं चैट जाए तेरे। देखो आप फेस पे कुछ लगा लो, फेस पे ही चंटेगा वो। उधर से जा रहे हैं क्या? मैं से बोल रही हूँ, सुनो मेरी बात एक बार, पीछे से बालकनी में जाओ, अगर बालकनी का दरवाजा खुला है तो वो खोल दे, सुनो से मत जाओ, समझो किसी बात को। चमगादड़ आया ना भाग गया। कितनी शान में आया था ये, पता नहीं वही तो चेक करके आओ आप जाओ तो। अरे यार खुला है, मैं अभी है ना दिए रख के आई हूँ बाहर, खुला है शायद तक। जाओ जाओ। और उधर सुनो मेरी बात,
अरे भाभी इधर से आगे क्या वो नहीं मैं से बोल रही हूँ उधर का गेट खोल दो ठीक है और बाहर लाइट लगा देना देखना देखे वो जाए क्या जाते हुए देखना उसको पता चला रात को यार ये एकदम से आपने तो बोला था वाश रूम के अब तो भाई टपर गया था दिखी नहीं रहा इतनी देर हो गई इतनी देर से दिख ही नहीं रहा हाँ दिख गया हाँ मैं क्या करूँ अब इसमें मेरे यहाँ की लाइट ऑफ कर रहे हैं बाहर बालकनी में वो वहां से कॉरिडोर की तरफ बाहर चला जाए तो हम यहाँ की भी लाइट ऑफ कर रहे हैं बाहर की एलईडी भी बंद करवा रहे हैं मम्मी आप मजाक कैसे करो कैसे करेंगे ना तो ही चमकादड़ नीचे चला गया और छोटी मम्मी अकेली है नीचे और उनकी चिल्लाने की आवाज आ रही है और छोटी मम्मी ने खुद को लॉक कर लिया है रसोई के अंदर हेलो भाभी नीचे गया वो यहाँ से वो नीचे गया है मैंने उसको देखा है मैंने उसको सामने वाले से देखा है वो नीचे गया बाहर नहीं है क्योंकि बाहर की लाइट जल रही थी अगर आप बाहर की लाइट बंद रखते तो वो बाहर निकलता तो बाहर लाइट जल रही थी इसलिए वो बाहर की लाइट जल रही थी छोटी मम्मी को देखना चाहिए था ना अब मम्मी तो यार क्या करें नीचे तो नहीं है वो छोटी मम्मी को बोलकर नीचे आ गया वो रसोई ठीक है ठीक आप रसोई के अंदर हो ना आप करते रहो रसोई में यार भाभी एक बार यहाँ से देखो अपन क्या कहाँ से आया है वो चीज बंद करे अपन कहीं दूसरा आ जाए कैसे क्या लग रहा है भाभी नीचे वाले वो नहीं है क्या वो भी खुली थी अब मैं भी नीचे जा रही थी लेकिन ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं नीचे बोल रहे हैं कि अभी मज्जब निकुंज आ गया है ऋषभ भी नीचे गया हुआ है दोनों नीचे गए में और ये लोग भगा रहे हैं और नीचे से सबके चिल्लाने की आवाज आ रही है वो बोल रहे हैं कमरे में घुसो वो वहां आ गया अब पता नहीं क्या कर रहे हैं सब डर चुके इतना भयंकर वाला सो गाइस आप देख सकते हो अभी चमकादड़ बाथरूम के अंदर मेरी जीन्स की चिपक रखा है ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ये चमकादड़ है तो कल तो आप लोगों ने देखा कितना बड़ा हमारे साथ सीन हो गया था और सब इतना डर गए थे कि क्या क्योंकि एकदम से चमकादड़ रूम मतलब कमरे में आ गए और फिर कल हमने उसको भगाया कल और... तो मतलब कल तो हुआ जो हुआ आज क्या हुआ आज पता है मम्मी नहाने जा रही थी बाथरूम में और ऋषभ की पैंट वहां पे टकी हुई थी और मम्मी क्या देखती कि उनकी पैंट के ऊपर एक चमकादड़ चिपका हुआ है भाई भाभी मुझे तो लग रहा है अब अपन घुसेंगे ना कमरों में तो अपन यही देखते रहेंगे कि चमकादड़ तो नहीं है मतलब पहली बार इतने पास से देखा चमकादड़ क्योंकि दिन में तो चमकादड़ नहीं होते तो वो एक जगह चिपका हुआ था ऋषभ की जींस पे बहुत डर लग रहा था वो और रात को भी हम पूरी क्लिप्स नहीं ले पाए उसको भगाने क्योंकि इतने डर चुके थे सब चिल्ला रहे थे भाई ये करो वो करो ऐसे वैसे तो हम क्लिप्स ले ही नहीं पाए ध्यान ही नहीं रहा बहुत ज्यादा मतलब कल तो चमकादड़ों ने तहलका ही मचा दिया घर के यार लेकिन भाभी आ क्यों रहे हैं अपने चमकादड़ ऊपर क्या है जो पापा ने क्लीन करवाया था ना हाँ उस एरिए को ऊपर क्या है कि एक एरिया ऐसा है जहाँ पे अंधेरा रहता है और वहाँ पे क्या चमकादड़ आते जाते हैं इसलिए हमने उसको क्लीन करवाया था तो पता नहीं लेकिन वो कहाँ से घर के अंदर आ गए दो चमकादड़ वो शायद अपना ही मेन गेट खुला है ना वहां से आ गया है ऊपर क्योंकि अंधेरा था यहाँ पे पूरे में और बाहर की लाइट जल रही थी तो वो है ना आ गया
तो हम ध्यान रखेंगे। अगर आप भी कमेंट करें आपने कभी इतनी पास से चमगादड़ को देखा है, कभी अपने घर में कभी चमगादड़ आया तो हमारा तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस। आप कमेंट करके हमें बताइए। खौफ, छिपकली, कॉकरोच, चूहे, ये सब तो ठीक है नॉर्मल है, घरों में होते हैं, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं होते। हमारे घर में चमगादड़ होते हैं। अलग लेवल का घर है अब हमारा। देखता हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अच्छी तो लगी होगी, इतनी अनोखी वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।